इधर से निकल के जाना पड़ रहा है, ये वाला शटर उठाया है और यहाँ से देखो किस तरीके से निकल के जाना पड़ रहा है। ठीक है, यहीं गिरा दिए। देखो ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले ही पॉपआउट हो चुका है ब्लॉग का, मस्त मैगी भी आ चुकी है। ओ हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, अभी जो है सुबह का टाइम हो रहा है, 6 बज रहे हैं और मैं जो है अभी गाइस निकला हूँ क्रिकेट खेलने के लिए। तो पहले हमारा रूटीन था डेली अपना क्रिकेट खेलने आते थे सर्दियों में, और अभी जो है कुछ टाइम के लिए 2-1 महीने के लिए बिल्कुल बंद कर दिया था। लड़के कोई नहीं जा रहा क्रिकेट खेलने के लिए। फिलहाल अभी निकल चुका हूँ गाइस, क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिया है। तो चलते हैं अभी फटाफट से, बॉल ले ली है उसकी प्रैक्टिस बॉल रॉड वाली, और बैट भी लेके जाता था। फिलहाल आज बैट नहीं लेके जा रहा क्योंकि वहाँ पर बैट बहुत हो जाते हैं, तो अपने बैट की ज़रूरत नहीं है, तो वहीं सेव सेव बैट से खेल लेंगे। तो अभी चलते हैं फटाफट से इंटर कॉलेज, सॉरी वाजपुर इंटर कॉलेज, तो दिखाएंगे। ग्राउंड जो है काफ़ी मस्त हो गया, पहले जो है बरसातों के टाइम में जाते थे तो गीला होता था, खेला नहीं आता था। तो फिलहाल अभी जो सूख बिल्कुल सूख गया है, तो चलते हैं फटाफट से क्रिकेट खेलते हैं, दिखाते हैं फिर आपको क्रिकेट। वो अभी जो है इस मार्केट में आ चुके हैं और रोड जो है अभी काफ़ी तेज़ी से अपना काम चल रहा है रोड चेंजिंग का। तो रोड जो डाले जा रहे हैं अभी, पहले मतलब नए गांव बरेली साइड सब में डल चुका है, ये यहां से दोराए तक पड़ेगा इसी तरीके से ही, मतलब हर एक जगह रुद्रपुर से लेके हल्द्वानी तक, सॉरी नए गाँव तक, सब में नए रोड डाले जा रहे हैं। और साइडों के पेड़ वगैरह जो रोड पे आ रहे हैं एक्स्ट्रा, वो भी सब काटे जा रहे हैं, कट चुके हैं, मतलब जिसकी दुकानों के छज्जे थोड़े से आगे आ रहे हैं वो भी सब हटा चुके हैं। तो अपना फाइनली पहुंच चुके हैं गाइस इंटर कॉलेज, और गेट जो है गाइस आज बंद है, आज जो है संडे है उस वजह से शायद ये गेट बंद है, और मुझे ये लग ही रहा था कि आज जो है गेट बंद ना हो। गेट गाइस बंद है, ताला लगा हुआ है इधर, और हमारे साथ के बंदे भी गाइस अभी नहीं आए हैं, तो फ़ोन करते हैं उनको। इधर वाला जो इंटर कॉलेज बंद पड़ा है, तो यहाँ से जो हमें इधर से निकल के जाना पड़ रहा है, ये वाला शटर उठाया है और यहाँ से देखो किस तरीके से निकल के जाना पड़ रहा है। रिक्स से गाइस यहाँ पर जो है कपड़े फट गए थे, पिछली बार मेरी नई जैकेट फट गई थी। इस मैच हो चुका है स्टार्ट, हमारी जो है बैटिंग है, इधर खेल रहे हैं सब लोग। मोनू बॉल करा रहा है और हम जब तक प्रैक्टिस कर रहे हैं जब तक मैच स्टार्ट हो रहा है, मैच स्टार्ट हो ही चुका है। तो इधर अपना प्रैक्टिस चल रही है, उधर बैटिंग चल रही है। तो गाइस अभी जो है देखो कैसे घर में जो है बसड़ मची पड़ी है, सारा सामान ऐसे फैला पड़ा है, देखो लकड़ी वाली अलमारी इधर रखी है, कुर्सी उर्सी सभी, और मंदिर जो यहाँ पर था मंदिर जो उधर को शिफ्ट कर दिया, क्योंकि ये अलमारी जो हमने ऐसे करके घुमानी है, तो दोनों अलमारी बिल्कुल फ्रंट जो है उसका सामने को जाएगा तो थोड़ा और बेस्ट रहेगा। और उधर साइड जो कोने में दबा रह जाता तो कुछ अंदर का दिखता नहीं है अलमारी में, सामान वामान कभी निकालना होता है। तो अभी जो भाई नानू के मस्त रेडी हो चुके हैं, खाना पीना भी खा लिया है, तो अभी फटाफट से चलते हैं ये काम निपटाते हैं, और ऊपर के बर्तन जो है सारे हटा के इस वाली स्लेब पे रखने हैं ऊपर यहाँ पर। तो अभी रखते हैं फटाफट से, और देखो ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले ही पॉपआउट हो चुका है ब्लॉग का। है ऐसा कह रही है, और मैं कहा ब्लॉग स्टार्ट करने वाला था, और ये देखो इधर मैगी गिरा दी है, अरुण की मैगी गिर गई है, नुकसान हो गया है इसका। हंसना तो देखो मिस्टी का हंसना कैसे हंसते हैं, क्या सही से पकड़, सही से तू भी मत गिरा दी कहीं, सही से पकड़ ले। तो इधर आयुष और उल्लू खेल रहे हैं क्रिकेट,
पीछे को खेल थोड़ा सा और, मिश्री तू भी खेल, हेलो कर दे, हेलो कर दे, हेलो ऐसे करके क्या कह रही है? करा बोल, आउट हो गया। और आज जो होगा इस घर पे ही है, कहीं गया नहीं आज मैं, काम जो है थोड़ा बंद करना पड़ गया, नहीं तो लगातार अपना मस्त काम चल रहा था। और आज जो है काम का जो है दो दिन रूटीन थोड़ा ख़राब हो गया, दो दिन रेस्ट करेंगे घर पे आराम से, दो दिन बाद जाएंगे अपना काम पर। तो अभी जो घर पे ही है तो सोचा कि चलो ब्लॉग बनाते हैं मस्त वाला। और होली वाला ब्लॉग अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, जाकर देख लो। नहीं थी गाइस मैगी, काफ़ी टाइम हो गया मैगी खाई नहीं थी, चल कर ले मैगी फिर। तो अब और टेस्ट आएगा उसके अंदर। अभी आ चुके हैं गाइस अंदर और अपनी मस्त मैगी भी आ चुकी है, तो फटाफट से मैगी खाते हैं और देखते हैं टेस्ट। अभी जो गाइस पहुंच चुके हैं काशीपुर और अभी जो है ट्रेन आके रुकी है बरेली सिटी वाली सीधी, काशीपुर पहुंच चुके हैं। और मम्मी है पीछे, तो अभी जा रहे हैं हम, जा रहा हॉस्पिटल मम्मी को दिखाने के लिए, जाँच होगी एंडोस्कोपी, तो चलते हैं अभी, पहुँचते हैं हॉस्पिटल सीधा। गाइस आ चुके हैं प्रिया मॉल काशीपुर में, एंट्री कर चुके हैं, मम्मी है साथ में और मैं हूँ, इधर देखते हैं कुछ खरीदते हैं यार घर के लिए। और हमारे हाथ में बैग है, ये रख देते हैं यहाँ पर, हाँ बस बस अभी देख रहे हैं गाइस शगुन के लिए फ्रॉक एक बढ़िया सा कोई, तो मम्मी देख रही हैं अभी फ्रॉक और हम भी देखते हैं मैडम के लिए कुर्ती वर्ती है, चलो आप कुर्ती देखते हैं पल्ली तरफ कोने में है उधर। अंदर स्टील प्लास्टिक है, प्लास्टिक और वो स्टील, इसका प्राइस एक पीस है ये 100 रुपये का, 100 रुपये का एक पीस है। तो इधर लगे हैं स्लीपर, आओ इधर देख लेते हैं पल्ली तरफ लास्ट में, ये लगा हुआ शूज का कलेक्शन, सैंडल्स वगैरह लेडीज जेंट्स सब। दो पीस कुर्ती ले ली हैं, एक ही वाला 500 रुपये का है, ये 300 रुपये का है, तो ले लिए अभी फटाफट से, बिल कर आते हैं फिर चलते हैं। हाँ सो गाइस फाइनली अपना दो कुर्ती ले ली हैं और चलते हैं बस से, जाना है भी ट्रेन से जाना भी नहीं है, ट्रेन का भी टाइम जो है काफ़ी लेट है, 12:35 पे है सर ट्रेन बाजपुर के लिए, तो हम जाएंगे गाइस बस से। और ये रास्ता अभी तक बना नहीं है, पिछले ब्लॉग में आपको दिखाया था। तो आज जो गाइस पोपट हो गया है और तगड़ा वाला है, और मैं जो गाइस मम्मी की दवाई दिलवाने आया था काशीपुर उजाला हॉस्पिटल, तो हुआ क्या गाइस मैंने जो है ना गलती कर दी, फ़ोन करके पता नहीं किया मैंने, अपना हॉस्पिटल में एक दोस्त रहता है उसको हर बार मैं जब भी निकलता हूँ फ़ोन करके निकलता हूँ, और इस बार जो गाइस फ़ोन भी नहीं किया, तो आके पता लगा कि डॉक्टर जो है छुट्टी पे हैं आज की और कल की, तो वैसे ही वापसी आना पड़ा। तो सोचा कि चलो प्रिया मॉल चल लेते हैं, एक आध कुर्ती उर्ती ले लेंगे, तो वो कुर्ती ले लिए, तो तब चलते हैं बस स्टॉप पर सीधा। और जो है बैठ चुके हैं बस में, तो चलते हैं सीधा, मिलते हैं बाद में पहुँच कर। फाइनली गाइस अपना पहुंच चुके हैं घर पर, तो चलते हैं, गर्मी काफ़ी हो रही है, जाकर पानी वानी पीते हैं आराम से बैठेंगे फिर। आज जो है मिस्टेक हो गई आज बहुत तगड़ी, कॉल करके नहीं गए हम, हाँ ये स्कूल जा रही है वो, आंगनबाड़ी बंद है जाती गई हैं। तो अपना मस्त खाना वाना खा लिया गाइस घर पे आके, और अभी जो चाचा बुला रहे हैं, पंखे में प्रॉब्लम हो गई है थोड़ी सी उनकी, तो पंखा चलते हैं अभी सही करते हैं उनका चलकर। सो गाइज फाइनली अभी जो है ब्लॉग एडिट कर लिया अपना और शाम के 7:30 हो गए हैं। सो गाइज आज जो मैं काशीपुर मतलब उस दिन जो गया ही था, ये ब्लॉग जो है एडिट जो आपने देखा है ये एडिट करा हुआ पहले का है, आज फिर काशीपुर जाने की ज़रूरत पड़ गई थी। तो आज जो है गाइज डॉक्टर ने यार बताया था मम्मी को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी वैसे कुछ ज़्यादा, और आगे इलाज भी होना है काफ़ी,
तो जैसा भी रहेगा लाइफ स्टाइल अपना आपको सब दिखा ही रहे हैं, जैसा भी होगा। हम जब गए थे डॉक्टर से मिले थे तो डॉक्टर ने बोला है गाइस ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन तो गाइस अभी होना था, आज ही हो जाता, लेकिन अभी जो गाइस थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, तो सोचा कि चलो ऑपरेशन जो गाइस मम्मी का एक हफ्ते बाद सोचा कि चलो करा लेंगे, जब पैसे का अरेंजमेंट हो जाएगा तो उसके बाद कराएंगे। तो चलते गए इस ब्लॉग को यहीं पर स्टॉप करते हैं। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी का फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।